उसको बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की, 105 रुपए का स्टॉक हो चुका है, 0.5% के आसपास की गिरावट हुई है, वॉल्यूम में खासा कमी देखने को मिली है। आज वीडियो में बात करेंगे हम टाटा पावर वर्सेस अडानी पावर के। अडानी पावर के बाद काफी कंपैरिजन होता है टाटा पावर का, एंड हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे दोनों का, रेशियोज का, फंडामेंटल्स का, एंड रिटर्न कितना दिया है इसने पिछले एक साल में, 6 महीने में, 3 महीने में। बात करेंगे कौन सा बेहतर है आपके सामने, टाटा पावर या अडानी पावर। और जब हम मार्केट से बाहर आ रहे हैं, यानी कि मार्केट का जो एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था उससे हम जब बाहर निकल रहे हैं, तो क्या ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अडानी पावर और टाटा पावर, बोथ हम यहाँ पर बात चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के ही हम बात करेंगे, एंड में हम थोड़ा मार्केट के ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। तो टाटा पावर की बात करें तो आज का जो चार्ट रहा है वो काफी ठीक रहा है कंपैरिजन टू प्रीवियस डे चार्ट, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जो गिरावट हुई है आज के दिन में काफी कम हुई है। लगातार स्टॉक में गिरावट जैसा मोमेंटम है और स्टॉक इसी वजह से बेरिश जोन में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बाजार की बात करें तो बाजार में कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है बाजार को लेकर के निफ्टी एनर्जी में, क्योंकि वहां पर गिरावट जैसा ही माहौल रहा है। आज का बाजार मोस्टली न्यूट्रल रहा है, बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहा है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत फ्लैट चार्ट पैटर्न बना है। हालांकि जो आप देखिए 15400 क्रॉस किया निफ्टी 50 ने और एक अच्छे नंबर्स के साथ आया है। आज मॉर्निंग में ही मोमेंटम काफी बढ़िया बन गया था, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेटल सेक्टर में गिरावट हुई है। मेटल सेक्टर मॉर्निंग में बहुत बेहतरीन चला था, उसके बाद वहां से लगातार फिसलता हुआ देखने को मिला, चाहे सेल रहा हो, भेल रहा हो या फिर नालको रहा हो, इन स्टॉक्स में लगातार तेजी से गिरावट हुआ। उसी की वजह से चार्ट जो है काफी फ्लैट बना है हमारा। बाजार में पैसा तो आया है बट गया भी बाहर बहुत ज्यादा है। बात करें टाटा पावर की, जो देखो टाटा पावर में कई अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं हम, तो प्राइस की अगर हम बात करें तो 106 रुपए का प्राइस है टाटा पावर का, 95 का प्राइस है अडानी पावर का। दोनों ही पावर सेक्टर में है। अगर हम बात करें तो डिविडेंड की बात करें तो टाटा पावर हमेशा डिविडेंड देता है, ऑलमोस्ट डिविडेंड देता रहता है। अभी भी जैसे 17 जून को 155% का डिविडेंड आपको दिया जा रहा है, तो टाटा पावर डिविडेंड के मामले में काफी बढ़िया है। वहीं पर अडानी पावर में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। 52 वीक हाई की बात करें तो टाटा पावर ने 114 का हाई लगाया था और अडानी पावर पे 108 का ऑल टाइम मतलब 52 वीक हाई यहां पर दिखता है। बाकी बात रिटर्न की करें तो टाटा पावर ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। टाटा पावर ने एक महीने में आपको 91% का रिटर्न दिया है। रिटर्न वगैरह काफी ठीक है, बुक वैल्यू बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर हम बात करें, बात करते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो यहाँ पर फंडामेंटल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अर्निंग पर शेयर से स्टार्ट करें तो अर्निंग पर शेयर टाटा पावर का काफी अच्छा देखने को मिलता है, 3% पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर है यहाँ पर, जो कि चाहिए होता है हमें। वहीं पर अडानी पावर जिसका बहुत ज्यादा नाम चलता है, बहुत ज्यादा हाइप बनाई जा रही है, लगातार बलून की तरह उसे उड़ाने की कोशिश है कि अडानी ग्रुप का शेयर है, आप खरीद लो, पैसा बनेगा ही बनेगा, और अडानी ग्रुप के नाम से अडानी पावर को ज्यादा फेमस किया जा रहा है। और वही कारण है कि यहाँ पर लोग चर्चा में आ जाता है कि टाटा पावर वर्सेस अडानी पावर, बहुत सारे कंपेरिजन वीडियोज आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर में टाटा पावर ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है बजाय अडानी पावर के। बात करें पीई रेशियो की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 35% के आसपास का स्टैंड अलोन, एंड अगर हम बात करें यहाँ पर कंसोलिडेटेड की तो 26% का पीई रेशियो है हमारे सामने टाटा पावर का, एंड 25.85% है अडानी पावर का। कंसोलिडेटेड की बात हो रही है यहाँ पे, तो कंसोलिडेटेड में क्या होता है कि देखो अगर इसका थोड़ा भी स्लाइटली भी बेहतर है तो यानी कि टाटा पावर आपको बेहतर यहाँ पर दिखेगा। बाकी आपको बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी टाटा पावर की बेहतर है कंपेयर टू अडानी पावर, एंड ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो टाटा पावर जैसा आप जानते हैं कि जून 2016 के आसपास से लेकर के और लगभग यहाँ पर मार्च 2020 के आसपास तक हमारा जो स्टॉक रहा था वो एक रेंज में फंसा हुआ था, 65 to 76 या 78 के आसपास हुई रेंज में था वो। तब तक उसने कोई खास डिविडेंड यहाँ पर ऑफर नहीं किया था और इसी वजह से यहाँ पर नॉट साइन लिखा हुआ है। बाकी डिविडेंड इस बार का आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट रेशियोज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज है कि यार देखो मैंने जो पोल किया था उसमें आपको आपने बोला कि थोड़ा फास्ट बोलना, तो फास्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ज्यादा फास्ट लगे तो प्लीज कमेंट बिलो, मैं दोबारा से स्लो डाउन करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी बीच में से तो फिर सामने नहीं आएगा। तो
लेट मी नो कि अगर ज्यादा फास्ट है तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी टाटा पावर का काफी बेहतर है, पॉजिटिव है और 1.07 का है जो कि अच्छा है, एटलीस्ट 0.07 का प्रॉफिट आपको यहां पर मिल सकता है। वहीं पर अडानी पावर की बात करें तो -16.45 है जो कि काफी नेगेटिव और काफी बुरा है अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो यहाँ पर 0.65% प्राइस टू बुक वैल्यू टाटा पावर का है, 1.49 है अडानी पावर का। बाकी सारे रेशियो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक नजर मार करके तो आपको दिखेगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टाटा पावर का बेहतर है, एंटरप्राइज वैल्यू सेल्स यहाँ पर टाटा पावर की ठीक ठाक है और उसकी ज्यादा अच्छी है, सेल्स में अडानी पावर है क्योंकि हाई बहुत ज्यादा बनाई गई है। आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप और अडानी ग्रुप में अंतर क्या है, टाटा ग्रुप में क्या है कि टाटा ग्रुप प्रॉफिट पे काम नहीं करता है, अडानी ग्रुप प्रॉफिट मेकिंग पे काम करते हैं और इसीलिए शायद अडानी साहब की इस बार जो वेल्थ थी वो काफी बढ़ी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। ईवी टू एबिटा अगर आप देखेंगे तो एबिटा यहाँ पर 10.83 है और यहाँ पर 28.63 है। तो एबिटा की बात करें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन वगैरह तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टाटा पावर नीचे है और अडानी पावर ज्यादा अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.29 का है और यहाँ पर 2 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो अडानी का बेहतर है यहाँ पर, बट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टाटा पावर और अडानी पावर टू 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 लड़ाई करते हैं अपने बेहतर होने की और काफी सारे रेशियोज और काफी सारे रिजल्ट वगैरह अगर आप कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं पाओगे कि टाटा पावर वर्सेस अडानी पावर बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होने की बजाय बहुत है कि रिकवरी में कौन सा है इस समय पर। दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी पहले, अभी यहाँ पर दोनों ही धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ रही है। ये है कि टाटा पावर की जो रिकवरी है वो काफी तेजी से हो रही है कंपेयर्ड टू अडानी पावर और यही एक बड़ा कारण है कि मैं रिकमेंड करता हूँ टाटा पावर अडानी पावर के बजाय, क्योंकि अडानी पावर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर एक हाइप बनाई जा रही है अडानी ग्रुप को लेकर के। और जैसा होता है कि आप जानते हैं कि कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है वो कई बार डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट चल रही है और इस समय पर बीजेपी गवर्नमेंट का जो सब प्रो है आप कह सकते हैं अडानी अंबानी प्रो है थोड़ी सी, तो उसमें कोई इनकार नहीं है ना। अडानी साहब की वेल्थ आप इतनी जनरेट होती है एक साल में और वहीं पर टाटा पावर या टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये वेल्थ पर काम कम करते हैं। तो ऐसे में अगर आप टाटा पावर परचेज करते हो, टाटा पावर बाय करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय कर रहे हो, 5 साल 10 साल के लिए बाय कर रहे हो और वो आपके लिए बेहतर रहेगा यहाँ पर। एंड पॉलिटिकल जो कमेंट किया है मैंने उसको बहुत ज्यादा वो मत लेना, मैं किसी साइड नहीं हूँ, सो वो ध्यान रखना आप। बाकी टैक्स वगैरह की बात करें यहाँ पर तो टाटा पावर का बेहतर टैक्सेशन है, टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो अडानी का कम है, हालांकि ये लॉस मेकिंग भी कंपनी है थोड़ी सी, टोटल इनकम इनकी कम है, इनकी बहुत ज्यादा तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस ज्यादा होने भी चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें हैं और टाटा पावर मैं रिकमेंड करता हूँ कि टाटा पावर बाय करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में जब लॉन्ग टर्म की आप डिसाइड कर रहे हों। अडानी पावर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके लिए बट अडानी पावर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, यानी कि अगर आप इनका देखेंगे कि प्रॉफिट मेकिंग वगैरह तो यहाँ पर रिकवरी बहुत स्लो है और इसीलिए यहाँ पर अभी बाइंग करके रखना थोड़ा सा रिस्की मोमेंटम हो सकता है। तो इसीलिए टाटा पावर इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक यू कैन चूज फ्रॉम नाउ। अभी आप देखेंगे तो हम चार्ट की बात करें तो चार्ट हमारा ठीक ठाक देखने को मिलता है, बहुत अच्छा नहीं है, दोनों का ही नहीं अच्छा है, टाटा पावर का भी और अडानी पावर का भी। बात टाटा पावर की करेंगे यहाँ पर तो 101 का सपोर्ट लेकर के बने रहने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। अपर साइड पर 107 की रेजिस्टेंस जोन है हमारे सामने, चार्ट पैटर्न मोस्टली बेरिश मोमेंटम में है तो चार्ट पैटर्न के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ मार्केट का मूड अच्छा है, मार्केट अपने हाईर हाईज लगा रहा है डेली तो इसका फायदा मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। एक और चीज है कि लगातार बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट एक बबल में है और ये बस्ट होगा, मतलब कि स्टॉक मार्केट फॉल करेगा, तो इससे आप कितना समर्थन रखते हैं, कितना आपको लगता है कि हाँ ये सही है या गलत है प्लीज कमेंट करना, क्या लगता है क्रैश हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपकी क्या राय है वो बताना। FII FPI की बात करें तो कल DII ने खरीदारी जरूर की थी बट कल FII FPI ने माल बेचा था, रीजन यही है कि जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं FII FPI के पैसे से चल रहा है और जैसे ही लोग पैसा खींचेंगे वापस मार्केट डाउनवर्ड जाएगा, बात यही हो रही है। आपको कितना लगता है गिरावट होगी या नहीं होगी प्लीज कमेंट भी दो। बाकी टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक है, मैं रिकमेंड करता हूं यहां पर कि टाटा पावर ओवर अडानी पावर, ठीक है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ऐसी वीडियोस और करें या ना करें प्लीज कमेंट बिलो, सिंपल वीडियोस ही करेंगे हम इसके बाद, बाकी आप बताना हम उसके बाद दोबारा ट्राई करेंगे इस तरह के और वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू।